देवश्री गौरीशंकर मंदिर प्रांगण में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन हेतु हटा में कथाव्यास के रूप में पधारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने आज पूर्ण सलीला सुनार नदी के किनारे स्थित भूतेश्वर धाम मंदिर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा उनका गाजे बाजे व मंगल कलश के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूतेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात वह भूतेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में स्थापित सुरभि पशु हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार व असहाय गायों की सेवा में चल रहे कार्यों का जायजा लिया एवं शमी के पौधे का वृक्षारोपण किया। इसके उपरांत पंडित श्री अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच ब्राह्मण धर्मशाला पहुंचे, जहां सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जय बागेश्वर धाम की, गौ माता की जय, सुरभि गौ माता की जय। आज दास हटा में सुरभि गौ हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर दास आया हुआ अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यह गौ सेवक सभी, शिव भक्त सभी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ठाकुर जी के भक्त असहाय बीमार गौ माता को यहाँ अपने निज खर्च पर रखे हुए हैं। हमारी प्रार्थना है इन सब बच्चों का जरूर साथ दें। राष्ट्र को बचाना है तो गौ माता को बचाइए, भारत को विश्वगुरु बनाना है तो गौ माता को पहले राष्ट्रीय धन घोषित कीजिए, तभी गौ माता बचेगी। और ये प्रारंभ की भूमिका हटा नगर के सुरभि गौ हॉस्पिटल से प्रारंभ हो रही है, ये गर्व की और गौरव की बात है हटा के लिए। और वास्तविकता में ये वृंदावन का ही स्थान है, जहाँ गोपाल गौ माता, जहाँ वहीं गोपाल, और जहाँ गोपाल वहीं हमारा सारा संसार गौ माता। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए हटा से ब्यूरो रिपोर्ट। देवश्री गौरीशंकर मंदिर प्रांगण में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन हेतु हटा में कथाव्यास के रूप में पधारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने आज पूर्ण सलीला सुनार नदी के किनारे स्थित भूतेश्वर धाम मंदिर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा उनका गाजे बाजे व मंगल कलश के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूतेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात वह भूतेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में स्थापित सुरभि पशु हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार व असहाय गायों की सेवा में चल रहे कार्यों का जायजा लिया एवं शमी के पौधे का वृक्षारोपण किया। इसके उपरांत पंडित श्री अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच ब्राह्मण धर्मशाला पहुंचे, जहां सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जय बागेश्वर धाम की, गौ माता की जय, सुरभि गौ माता की जय। आज दास हटा में सुरभि गौ हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर दास आया हुआ अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यह गौ सेवक सभी, शिव भक्त सभी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। ठाकुर जी के भक्त असहाय बीमार गौ माता को यहाँ अपने निज खर्च पर रखे हुए हैं। हमारी प्रार्थना है इन सब बच्चों का जरूर साथ दें। राष्ट्र को बचाना है तो गौ माता को बचाइए, भारत को विश्वगुरु बनाना है तो गौ माता को पहले राष्ट्रीय धन घोषित कीजिए, तभी गौ माता बचेगी। और ये प्रारंभ की भूमिका हटा नगर के सुरभि गौ हॉस्पिटल से प्रारंभ हो रही है, ये गर्व की और गौरव की बात है हटा के लिए। और वास्तविकता में ये वृंदावन का ही स्थान है, जहाँ गोपाल गौ माता, जहाँ वहीं गोपाल, और जहाँ गोपाल वहीं हमारा सारा संसार गौ माता। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए हटा से ब्यूरो रिपोर्ट।